हाय, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम भी अच्छे से हैं। और आज का ब्लॉग्स मेरा स्टार्ट हो गया है और गुनगुन समर से रिलेटेड ही आज भी है। तो जैसे कि आप लोग भी देखे, हम भी देखे, गुनगुन समर के घर गई हुई थी, समर राधिका के घर गई हुई थी, राधिका के मायके गई हुई थी और वहाँ पे वो लेटी हुई थी जब तक ये चुपके से समर और राधिका हनीमून के लिए चले गए। देखते हैं कैसे क्या होता है और कैसे उन लोगों का हनीमून पे जा पाते हैं लो या नहीं जा पाते हैं लो। और ये गुनगुन के क्या रिएक्शन होता है, गुनगुन मतलब उठती है तो फिर क्या होता है, वो लोग सही सलामत जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं। और गुनगुन 15 दिन इन लोगों का वेट करती है कि नहीं करती है? मुझे तो लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि गुनगुन वेट नहीं करेगी? मुझे तो लगता है करेगी। क्या 15 दिन में रिश्ता तोड़ के भाग थोड़ी जाएगी, देश थोड़ी छोड़ के भाग जाएगी? और अगर इनके घर नहीं रहेगी तो अपने मम्मी पापा के घर, मुझे मतलब ऐसा है कि वो अपने मम्मी पापा के घर रहेगी। फिर से समर भाई और राधिका मैडम आ जाए तो फिर से वही ड्रामा चालू हो जाएगा, देख लेना। फिर से वो आएगी, फिर से वो आएगी। ये कितना वो भाग ले, कितना वो कुछ कर ले, अगर वो सच्चा प्यार कर रही है तो वो उनके पीछा थोड़ी छोड़ी दिया, उसका हक है, उसका हस्बैंड है। वो जब तक इनके साथ वो अपने मुझे लग रहा है जब अपने हक़ के लिए लड़ रही है, और जब तक ये इनसे अपना हक ना ले ले जब तक ऐसे रुकेगी नहीं। देखने में तो ऐसे लग रहा है, मगर देखा जाए कि इनका ये अपने मकसद में कामयाब होते हैं कि राधिका मैडम समर भाई अपने मकसद में कामयाब होते हैं लोग, कि गुनगुन अपना हक लेके ही मानती है कि डिवोर्स देती है। अब आगे चल के हमें पता चलेगा उन लोगों का क्या। ये एक बात बताइएगा, ऐसी इतना दिनों से इन लोगों के झगड़ा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये झगड़ा है कि रगड़ा है। कम से कम 4-5 महीने हो ही गया झगड़ा चलते चलते इन लोगों का, और अभी तक झगड़ा रुकने को नाम नहीं ले रहा। और झगड़ा लड़ाई इन लोगों को और उलझ चुका है। और जब तक समर भाई इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं गुनगुन को, जब तक ये लड़ाई रहेगी। और आप लोग बताइए, आप लोग का क्या राय है, आप लोग क्या सोच रहे हो? जो मैं सोच रही हूँ आप लोग भी सोच रहे हो क्या है? मैं जो कह रही हूँ गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ? और ये तो मानेगी नहीं, शादी कर ली है उसने तो उसका हस्बैंड है भाई, है उसका हक भी बनता है लड़ने की। और इन लोगों ने जो कर ली है तो कोई ना कोई जब तक डिसीजन नहीं निकालते हैं समर भाई, जब तक ये ऐसे ही कहीं पे भी भाग ले, कहीं पे भी चला जाए, मगर उनको ये इस सिचुएशन से ऐसे मतलब छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक ये कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। जब तक कि तो राधे गुनगुन को उनको दोनों के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो एक कोर्ट केस करके डिवोर्स देंगे तभी होगा कोर्ट में जाके, जब ही इनका झगड़ा ख़त्म होगा। ऐसे तो नहीं सॉल्व होगा इनके झगड़ा, ये कहीं पे भी भाग के चले जाए, कुछ भी कर ले, 10 दिन 15 दिन महीना दिन है काहे ना साल लगा दे, तब भी तो ये झगड़ा ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो भागने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चलिए, आज का अपडेट मैं इतना ही दे रही हूँ। आप भी अपने कमेंट करके बताइए अपना राय।